न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। खबरों की ओर रुख करेंगे। नैनीताल उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक महीने शीतावकाश घोषित हो गया है। इसकी जानकारी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से प्राप्त हुई है। हाई कोर्ट अवकाश की अवधि में महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के लिए एकल पीठ बैठेगी। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के कैलेंडर 2022 में शीत अवकाश 17 जनवरी से 11 फरवरी तक दिया गया है। इस कड़ी में पहले हफ्ते न्यायमूर्ति आरसी खुलबे, दूसरे हफ्ते न्यायमूर्ति एनएस धनिक, तीसरे हफ्ते न्यायमूर्ति आलोक वर्मा और आखिरी हफ्ते न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की पीठ वादों की सुनवाई करेगी। हरिद्वार में मकर संक्रांति के दिन जिला प्रशासन की तरफ से स्नान को प्रतिबंधित किए जाने के चलते पूरे हर की पौड़ी क्षेत्र को बैरिकेड करके श्रद्धालुओं के आने के लिए प्रतिबंधित किया गया। पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगाकर पूरे क्षेत्र को बैरिकेड करके आने वाले श्रद्धालुओं को हर की पैड़ी और अन्य गंगा घाटों पर जाने से रोकने के प्रबंध पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए, जिसके चलते श्रद्धालुओं को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। महत्व तो बहुत है इस सैटेलाइट के युग में। एक प्रमाण है जो कि आप अपने लोगों से कांटेक्ट करके देख सकते हैं। आज मकर जो है 2:00 पे लग रहा है, कल सुबह 8:00 तक है। तो मकर जब ही लगता है जब समुद्र सूर्य मकर राशि पर आता है, तो गंगा सागर के अंदर जहाँ पर हम खड़े हैं उससे वहाँ पर 5-10 किलोमीटर दूर समुद्र होता है, समझे। और जब मकर लग जाता है तो समुद्र बढ़ना शुरू हो जाता है। 10 किलोमीटर तक, 15 किलोमीटर तक समुद्र बढ़ के आ जाता है और वहाँ पर जो कपिल मुनि का आश्रम है वहाँ तक समुद्र आ जाता है। अब पहले तो बहुत वो था, अब समुद्र जो है कपिल मुनि से 1 किलोमीटर पीछे रहता है। परंतु जब तक मकर नहीं आएगा, सूर्य प्रवेश नहीं करेगा मकर राशि में, समुद्र की गति बढ़ती नहीं है। ये आज के सैटेलाइट युग में ये प्रमाण है। दूसरा ये प्रमाण है कि आज के दिन मकर राशि जो है शनि की होती है। व्यवस्था आपने बाहर देखा होगा, पूरी हर बैरियर हर नाके पे हमारी पुलिस मौजूद है और जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उसका अनुपालन कराना हमारी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ हमारी पूरी जो पुलिस फोर्स है मुस्तैदी के साथ खड़ी है। घाट लगभग पूरे खाली हैं और जो प्रतिबंधित किया गया था स्थान उसको हम पूर्णतया इम्प्लीमेंट कराने में सफल हो गए। बैरिकेडिंग वगैरह सब इस तरह की चीज़ें लगाई गई हैं? हाँ, बैरिकेडिंग लगी है, हमारी कोशिश है। और पिछले 2-3 दिनों से लगातार आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से लोगों तक ये बात पहुँचाई गई कि अभी इस स्थान में हरिद्वार में प्रतिबंध रहेगा पर्व मनाने में, तो वो चीज़ उसका असर हुआ है। और बाकी जो लोग अभी भी कुछ लोग हैं जो हमारे बैरियर पे लोगों से कोशिश कर रहे हैं कि वो आएँ, तो उनको कोशिश वही है कि कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से वो अन्य घाटों पे या दूर जाके स्नान कर लें। लेकिन अमूमन जो एक मेन हमारा जो मेला क्षेत्र है, जो हमारा पर्व क्षेत्र है, उसको हमने प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है। वहीं मकर संक्रांति के मौके पर ऋषिकेश के प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट पर देव डोलियों का तांता लगा। त्रिवेणी घाट पर दर्जनों देव डोलियों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। इन दोनों में सबसे खास सेम रागराज और दक्षिण काली के साथ ही राजा राजेश्वरी माता की डोलियों का आना जाना लगा रहा। कहते हैं ये डोलियां गंगा पर इसलिए लाई जाती हैं क्योंकि माँ गंगा की बहनें होती हैं। साल में किसी बड़े पर्व पर इनको यहाँ पर लाकर गंगा में स्नान कराया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना से निपटने की सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और सीएमओ भी रहे। बताते चले कि राज्य में कोरोना के केस आए दिन नए नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ऐसे में अस्पतालों में सभी व्यवस्थाओं का होना जरूरी है। उत्तरकाशी के गंगोत्री विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव कार्यालय खोलकर जनसंपर्क अभियान में तेजी लाने का आह्वान किया है। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस प्रत्याशी विजयपाल सजवाण ने विधिवत कार्यालय का शुभारंभ कर कार्यकर्ताओं को आदर्श आचार संहिता के नियमों के तहत चुनाव प्रचार जनसंपर्क अभियान में जुट जाने का आह्वान किया है।
सहारनपुर में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन में विधानसभा चुनाव 2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन लगातार जुड़ा हुआ है। इसी के चलते लगातार आदर्श आचार संहिता का केवल पालन ही नहीं कर रहा है, बल्कि चुनाव से संबंधित लोगों को बैठक कर इन्हें इस बारे में दिशा निर्देश भी देने का काम किया जा रहा है। जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ 10 तारीख को, तभी से आचार संहिता प्रभावी है और उसके बाद से एक 24 घंटे के अंदर हमें अपने सभी सरकारी कार्यालयों से जो भी योजनाओं से संबंधित होर्डिंग, पोस्टर्स, बैनर्स होते हैं वो सब रिमूव करने होते हैं, जो हमने विद इन टाइम रिमूव करा दिया था। उसके बाद फिर हमें 48 घंटे के अंदर जो पब्लिक प्लेसेज हैं, जैसे रेलवे स्टेशन है या पब्लिक पार्क वगैरह है, उनसे जो डिफेसमेंट है पब्लिक प्रॉपर्टी का या किसी प्रकार का होर्डिंग, पोस्टर, बैनर जो कि चुनाव प्रचार से संबंधित है, वो सब रिमूव कराना होता है। किसी भी पार्टी, किसी भी नेता से संबंधित जो जितने भी मैटर होते हैं वो सारे रिमूव करा दिए गए हैं। इसके अलावा अब प्राइवेट प्रॉपर्टी से भी 72 घंटे के अंदर रिमूव कराना होता है, जो हम लोग अब तक पूरा रिमूव करा चुके हैं। इसके अलावा हमारे जनपद में एक FIR MCC उल्लंघन के संबंध में दर्ज हुई है और कल इसी संबंध में MCMC की जो बैठक होती है वो हमने की थी, जिसमें हमारे करीब 15 लोग आए थे प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड लोग। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आगरा में नामांकन के पहले दिन ही अजब गजब प्रत्याशियों ने नामांकन के पर्चे खरीदना शुरू कर दिया। आगरा छावनी विधानसभा से किन्नर राधिका बाई ने पार्टियों की तरफ से टिकट के पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए निर्दलीय ताल ठोक दी। तो वहीं आगरा दक्षिण से जूता व्यवसायी मोहम्मद अंसार ने क्षेत्र के विकास के लिए चुनाव लड़ने का दम भरा है। इसके साथ ही अन्य दलों के प्रत्याशी भी पर्चा खरीद रहे हैं। जिला मुख्यालय पर कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन शुरू हो गए हैं। सहारनपुर में लगातार कोरोना संक्रमण का ब्लास्ट हो रहा है, जिसके चलते सहारनपुर में अभी तक 1,276 कोरोना संक्रमण के मामले सक्रिय हैं। प्रदेश में नियमानुसार 1,000 से ज्यादा मामले कोरोना संक्रमण के होने पर नई एडवाइजरी लागू होगी और यह एडवाइजरी सहारनपुर में लागू हो गई है। अब जिले में वाटर पार्क और जिम नहीं खुलेंगे। अब बताओ IAS और जैसा कि आप अवगत हैं, कल जनपद में सहारनपुर में कल 1,276 केस हो चुके थे। उसको लेकर के गृह विभाग का जो आदेश है, उस आदेश के क्रम में कि जिन जनपदों में 1,000 से अधिक केसेस होंगे उन जनपदों के लिए एक नई गाइडलाइन होगी। उस नई गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों ने उसका एडवाइजरी जारी कर दिया है। सभी शॉपिंग, जितने भी दुकान हैं, शॉपिंग मॉल हैं, होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक संस्थान, इन सभी जगहों पर कोविड हेल्प डेस्क बनाए जाने को लेकर के निर्देश जारी कर दिया गया है। यहाँ पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। लोग पल्स ऑक्सीमीटर लेकर के वहाँ आने, थर्मल स्कैनर लेकर के वहाँ जितने भी लोग आएंगे उनकी थर्मल स्कैनिंग करेंगे, साथ ही साथ मास्क और सैनिटाइजर के प्रयोग को भी वहाँ पर के लिए प्रयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। सहारनपुर के थाना नागल क्षेत्र में एक महिला की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। महिला का शव गांव से कुछ दूरी पर जंगल में पड़ा मिला। वहीं घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। ये थाना नागल क्षेत्र में गांव पड़ता है रसूलपुर खेड़ी। रसूलपुर खेड़ी में आज सुबह ये सूचना मिली थी कि एक महिला जो है उसका शव खेत में पड़ा हुआ है। उस पर पुलिस जो है तत्काल मौके पर पहुंची और उन्होंने, पुलिस ने जो है इसमें विधिक कार्रवाई करना शुरू किया, जिसमें कि ये महिला के बारे में पता चला है कि ये महिला वहीं पर पास में ही जहां पर ये इसका शव मिला है वहां से 400 मीटर 500 मीटर दूरी पर इसका ससुराल था। ये घटना के बारे में तो मैं क्या बताऊंगा, अभी तो मैं कल तो घर से ही, घर तो सब ठीक ठाक था इनके, हमारी दादी एक्सपायर हो गई थी ना तो उसमें जा रखी थी। अब अचानक घर से आई तो शाम के टाइम में पता चला कि अभी सुबह की SSI हो गया है। तो
कैसे मृत्यु हुई है, कहाँ से मारा है, क्या लगा है, किसने मारा है? अब इसे कैसे बता सकते हम किसने मारा, हमें नहीं बताया इस बारे में, यानी हम तो अपने घर थे ना। अच्छा, कब शादी हुई थी? कल 2007 शादी हुई थी। कितने बच्चे हैं? इनको 6 बच्चे हैं। आगरा के अचनेरा थाना क्षेत्र में पुलिस और आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने 49 पेटी शराब का जखीरा बरामद किया। इसी के साथ पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार तस्कर को जेल भेज दिया है। आबकारी विभाग और पुलिस के पास, क्योंकि आजकल ज्वाइंट चेकिंग चल रही है पुलिस और आबकारी विभाग की आगामी चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए, इस सूचना पर ये एक HR नंबर का जो कंटेनर था उसे चेक किया गया, और चेक करने के दौरान इसमें जो ऊपर का सामान भरा हुआ था वो हटाकर देखा गया तो इसमें काफ़ी सारी शराब जो थी इसके अंदर भरी हुई थी। जब ये शराब को देखा गया तो इसके अंदर 49 पेटी शराब, 447 लीटर शराब बरामद हुई, और ये सब ओवरसीज ब्रांड है, विदेशी कंपनी का ब्रांड है, और ये गुड़गावा से लोड किया गया था और मद्रास को कंटेनर जा रहा था, लेकिन पुश सूचनाओं से ये बात पता चली थी कि इसे आगरा के अंदर खपाया जाना है, उतारा जाना है। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार से 4 मांस तस्करों को पकड़ लिया। बता दें कि टीवी प्रेस का सहारा लेकर प्रतिबंधित मांस की तस्करी हो रही थी। वहीं टीवी प्रेस लिखी कार सहित पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस दौरान तथाकथित पत्रकारों ने पुलिस पर दबाव बनाने की भी कोशिश की है। बिजनौर में चुनाव आचार संहिता लगते ही पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स जगह जगह फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को भयमुक्त कर रही है। शहरवासियों को बता रही है कि आने वाले चुनाव को लेकर शांति से लोग मतदान करें। बिजनौर पुलिस ने चुनावी तैयारियों को लेकर जिले भर में लोगों का मुचलका पाबंद किया है। वहीं 13,210 लाइसेंस जमा किए गए हैं। मतदान केंद्रों के आसपास रहने वाले लोगों की सूची भी बनाई गई है। आसन्न चुनाव को, विधानसभा निर्वाचन को देखते हुए एक जन सामान्य में साहस और जो शांतिप्रिय लोग हैं उनको एक धैर्य प्रदान करने के लिए कि आप अपना वोट निर्भीक होकर डालिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कीजिए, और जो असामाजिक तत्व हैं या निर्वाचन कार्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगे उनको एक चेतावनी देने के लिए, और साथ ही साथ इस जनमानस में कि प्रशासन पूरी तरह से आपके साथ है ये भाव संचार करने के लिए आज की यह रैली निकाली गई। आज दिनांक 14/1/2022 को SCEC टीम को बुलाया गया था बिजनौर से, और जो हमारे विधानसभा के चुनाव है और 26 जनवरी का जो पर्व है उसको दृष्टिगत रखते हुए रेलवे स्टेशन पर माल गोदाम और जहाँ पे पार्सल है पार्सल घर आदि स्थानों पर गहन तरह से चेकिंग की गई ताकि पर्व और बलरामपुर थाना रेहरा बाजार के ग्वालियर ग्रंट में चुनाव की घोषणा के बाद जिला प्रशासन सख्त हो गया है, जिसके चलते आबकारी विभाग, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच ग्वालियर ग्रिड में संयुक्त टीम की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने बड़ी मात्रा में बरामद की अवैध कच्ची शराब को बरामद कर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। हल्द्वानी स्थित हीरा नगर में पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच की तरफ से उत्तरायणी मेले का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत 8 जनवरी को हुई थी जो कि आज समाप्त हो गया। उत्थान मंच के कार्यकारी सदस्य शैलेंद्र दानू ने बताया कि कार्यक्रम को भव्य रूप से होना था, लेकिन कोरोना के संक्रमण के कारण कार्यक्रम को भव्य नहीं बनाया जा सका। विगत 40 वर्षों से यहाँ बलवंत सिंह चुफाल जी जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष हैं तो उनकी ही देन है, उनका ही संघर्ष है, और उनके साथ जो यहाँ पे पूर्व साथी थे जिनके आंदोलन के कारण आज ये मंच हमें मिला, तो जिसमें ये पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच में
विगत 8 से 15 जनवरी तक लगातार 40 वर्षों से यहाँ पे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। उत्तरायणी मेला जो हमारा घूमते तैयार होता है, तो पहले तो यहाँ पे हमने कोविड की पूरी गाइडलाइन जो है सरकार से जो आई हुई थी हमने वो फॉलो कर रखी है, चाहे मास्क, सभी को मास्क अनिवार्य है जो भी अंदर घुसेगा, साथ में हमारे गेट पे सैनिटाइजर भी वहाँ पे गार्ड से छिड़काव कर रहे हैं ताकि कोई व्यक्ति अंदर आता है पहले हाथों में सैनिटाइजर का यूज़ करे। पहाड़ी संस्कृति को बचाने के लिए यही कि पहाड़ी रीति रिवाज रस्म जो है हमारे उनको अपना जाए, हमारे संस्कृति जो है संस्कार जो है हमारे, हमारी मेन मुख्य चीज़ है हमारी भाषा, लेकिन भाषा ही भूल गए तो संस्कृति की रक्षा कैसी हो सकती है। सब लोग हिंदी में बोलते हैं, सब लोग दूसरी पहाड़ी बताने में तो अपने को महसूस कर रहा है पहाड़ का आदमी आज, बड़े अफसोस की बात है। जब पहाड़ का नौजवान जब पढ़ लिख लेता है, शिक्षा ग्रहण कर लेता है, वो पहाड़ी में से घृणा करने लगता है, न पहाड़ी में बोलता है, न पहाड़ी रीति रिवाज से अपनाता है, वो इधर आकर के अब नया मॉडर्न जो फैशन में डूब जाता है। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में गोलापार स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कांग्रेस एससी विभाग के नैनीताल जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार की गलत नीतियों से प्रदेश की जनता त्रस्त है और प्रदेश की जनता का रुझान अब कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। ऐसे में प्रदेश की जनता बीजेपी की डबल इंजन सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। देखिए, उत्तराखंड की जनता, हमारे देवतुल्य जनता, ये तो परिवर्तन की तरफ इंतज़ार कर रही है। ये भ्रष्ट सरकार, ये जुमलेबाजी की सरकार उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। और रहा सवाल हमारे टिकट का, आला कमान जिसे टिकट देगा हम उसके साथ तन मन से उसको हम यहाँ से प्रत्याशी बना करके, और जिसे प्रत्याशी बनाएंगे उसको तन मन लड़ा करके विधानसभा भेजेंगे। और पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस का जो परिवर्तन है पूरी जनता के द्वारा, जनता मान चुकी है कि कांग्रेस आने वाली है। और जो 5 सालों में इन्होंने कोई कार्य नहीं किए, और वो कार्यों के लिए हम लोग लगातार जो हमने पिछली सरकार में, हमारी कांग्रेस सरकार ने जो जनता के लिए कार्य किए हैं वो लगातार हम उन जनता तक पहुँचाने काम कर रहे हैं। कोटद्वार जसोदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में लगातार टैक्स की चोरी की शिकायतें मिल रही थी। जीएसटी चोरी की शिकायतों में जीएसटी विभाग हरकत में आया और जसोदपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जीएसटी विभाग की छापेमारी से इंडस्ट्री एरिया में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में फैक्ट्री मालिक टैक्स से संबंधित दस्तावेज खंगालने लगे। जीएसटी अधिकारियों ने सिद्धबली स्टील और संत स्टील में छापेमारी करते हुए भारी अनियमितताओं को देखते हुए ये कार्रवाई की है। और हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोटद्वार की दो फैक्ट्रीज में जो टैक्स इनका बनता है उससे कम टैक्स जमा कर रहे हैं, तो हम लोग इनकी जांच करने फिलहाल आए हैं। अभी हमने इनके अकाउंट बुक्स वगैरह सीज किए हैं और बाकी इनका रिकॉर्ड का हम मिलान कर रहे हैं, और अगर हम इसमें पाएंगे कि इनमें टैक्स इनका कम जमा हुआ है तो हम कम इनका टैक्स जमा कराएंगे। फिलहाल कैलकुलेशन चल रही है और शाम तक उम्मीद है कि हम लोग एग्जैक्ट फिगर निकालने की स्थिति में होंगे कि लगभग कितना टैक्स इनका बन रहा है। फैक्ट्रियों में लगातार शिकायतें आती है जीएसटी चोरी की, तो आपके द्वारा यहाँ पे किन किन फैक्ट्रियों में अभी तक कार्रवाई की गई है? देखिए, ये तो अलग अलग है एक्चुअली, तो हमारा जो हरिद्वार संभाग है यहाँ करीब 40 फैक्ट्रियाँ हैं, 35 से 40 की जो फैक्ट्रियाँ हैं, तो जिन जिन की हमारी इन्फॉर्मेशन आती है उन पर हम कार्रवाई करते रहते हैं समय समय। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही पुलिस महकमे ने कमर कस ली है। काशीपुर क्षेत्र के अपर पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में कोतवाली काशीपुर समेत तमाम पुलिस महकमे ने नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालते हुए लोगों को आदर्श आचार संहिता का पालन करने का पाठ पढ़ाया। इस दौरान पुलिस के जवानों ने शक्ति प्रदर्शन कर अराजक तत्वों को यह संदेश भी दिया कि किसी भी किस्म की अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सामान्य विधानसभा निर्वाचन 2022 के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, और इसी संदर्भ में सामान्य सभी नागरिकों से, समस्त नागरिकों से ये अपील की जा रही है कि कृपया वे निर्भीक होकर अपना मतलब देकर किसी दबाव और लालच के ना, और अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है, इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त होती है तो इसमें तत्काल पुलिस के द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, और इसी के साथ जो भी अराजक तत्व हैं जो चुनाव के दौरान गड़बड़ी कर सकते हैं उनके विरुद्ध हम 107-16, 151 गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।